18 नवंबर से रांची से दो नई ट्रेन चलेगी और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे इन दोनों नई ट्रेनों के बारे में रेलवे ने क्या जानकारी दी है, साथ ही कौन से रूट पर इस ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड से दो नई ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है जिनमें रांची रेलवे स्टेशन से यह दो नई ट्रेन की शुरुआत होगी। रेलवे ने रांची से जयनगर और रांची से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। यह ट्रेन छठे स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। रांची जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन धनबाद होकर चलेगी और पटना की ट्रेन वाया गोमा होकर चलेगी। दोनों ट्रेन में सारी सुविधाएं नजर आएंगी और इस ट्रेन का परिचालन 18 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। वापसी में यह ट्रेन 19 नवंबर को चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुधवार को इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। रांची जयनगर के एक दिन चलने से मिथिलांचल के लोग मायूस हो गए थे, जिस कारण रेलवे ने हाल ही में 195 ट्रेनों को हरी झंडी दी थी। उनमें रांची जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल थी। यात्रियों को उम्मीद है कि पर्व के दौरान रांची से इन दो नई ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, जिससे बिहार से झारखंड सफर करना आसान हो जाएगा। यह ट्रेन रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन 02870 के साथ चलेगी, जिसका परिचालन रांची से शाम 4:10 पर किया जाना है और यह ट्रेन सुबह 7 पहुंच जाएगी जयनगर। जयनगर से यह ट्रेन सुबह 9 रवाना होगी और रांची रात 11:40 पर स्टेशन रांची पहुंचेगी। वहीं रांची पटना स्पेशल ट्रेन की समय सारणी की बात करें तो यह ट्रेन रांची से 11:45 पर रवाना होगी और दूसरी दिशा में यह ट्रेन पटना से सुबह 9 रवाना की जाएगी। इन सभी ट्रेनों के अलावे आसनसोल, चितरंजन व जेसीडी होकर कुछ नई ट्रेनों का संचालन भी छठ के दौरान देखने को मिलेगा और यह ट्रेन भी 18 नवंबर से चलने वाली है, उसका भी अपडेट हम जल्द लाने वाले हैं। तो ये था आज का अपडेट। नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।